आदरणीय स्वजनों, जय श्री महाकाल। आप सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज मेरी प्यारी बिटिया अवनी की शादी का अवसर है और बहुत लंबे समय से मैं मन की बात नामक एक कालम लिखता हूँ। मैंने मेरे पूरे परिवार के लिए उस कालम में अपनी बातें लिखी है, जो मेरे मन में आती है, जो मुझे मालूम होती है, मैं उसको शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आपको अगर ये मेरे मन की बात अच्छी लगे तो इसे शेयर करने का कष्ट करें। यह कविता मैंने मेरी प्यारी बेटी अवनी को समर्पित की है, उसी के लिए लिखी है। प्यारी बेटी अवनी, आज तुम्हारे विवाह परिणय पर तुम्हारे लिए चंद लाइनें लिखी है मैंने। अच्छी लगे तो फिर एक बार खुलकर मुस्कुरा देना। तेरे हर दुख को अपनाऊंगा मैं, खुद रोकर भी तुझे हंसाऊंगा मैं, मुश्किलों में तुझे गले लगाऊंगा मैं, हर दर्द और तकलीफ से तुझे बचाऊंगा मैं, हजारों कांटे क्यों ना हो तेरी राहों में, मगर तेरी हंसी के लिए मेरी प्यारी बिटिया उन राहों पर मुस्कुराता चला जाऊंगा मैं। दुनिया की हर खुशी तुझे कैसे भी दिलवाऊंगा मैं, जिसमें बस खुशी हो ऐसी दुनिया लाऊंगा मैं, जन्नत से भी सुंदर महफिल सजाऊंगा मैं। आज विवाह है तेरा मेरी बिटिया, कुछ भी मांग ले मुझसे, अपनी हैसियत से भी ज्यादा कर जाऊंगा मैं। सुमित जी का साथ हर पल रहेगा तुम्हारे साथ, तुम उनके रंग में यूं रंग जाना जैसे मेहंदी भरे हाथ, परिणय सूत्र एक दूसरे के साथ, स्नेह और प्यार का एक प्यारा सा सफर है, मिलकर इस सफर को तय करना। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा पापा। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी।